तो क्या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एक परफेक्ट गार्डियन मूवी है एंड अपने पिछले पार्ट्स के मुकाबले में सबसे बेहतरीन है? तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की यह कहानी उन गार्डियंस की है जो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए इतना गिर सकते हैं कि सामने भले ही कोई भी हो, भले ही थैनोस का बाप आ जाए, लेकिन उससे भी भिड़ जाएंगे। इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस भी बहुत कमाल के दिखे हैं। एडम वॉरलॉक के फाइटिंग सीन सचमुच बहुत भयंकर दिखे हैं। इसके बाद ये मूवी तुम्हें बहुत इमोशनल कर देती है। तुम्हें पहले ही 5-7 रुमाल लेके मूवी देखने को जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद क्या 1 और 2 पार्ट से बेहतरीन है? देखो, मेरे लिए तो ये तीनों मूवीज एकदम इक्वल है, क्योंकि पहले पार्ट में रोनन की स्टोरी थी कि गार्डियंस किस तरह उसे रोकते हैं, सेकंड पार्ट में ये स्टारलॉर्ड के डैड यानी एक सेलेस्टियल से भिड़ते हैं, एंड थर्ड पार्ट में गार्डियंस का लास्ट जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ गुड बाय कहते हैं। मतलब हर मूवी अपनी अपनी जगह सब परफेक्ट है, एंड इसीलिए इस बंदे को जेम्स गन कहा जाता है, क्योंकि गन वाली दम तो है यार बंदे में। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 परफेक्ट मूवी है? तो यस, एंड आई एम ग्रूट। नहीं, आई लव यू गाइस।